दोस्तों, बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि अपने अमरूद के पौधे को मैं बड़ी वीडियो के ज़रिए दिखाऊंगा आपको। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अभी फ्रूटिंग होने लगी है, यहाँ पे कलियाँ आने लगी हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कलियाँ आने लगी हैं। इसे मैंने जाली से कवर कर रखा है। इधर भी कलियाँ हमारी आ रही हैं, इधर एक कली और आ रही है, मतलब बहुत सारी कलियाँ हमारे गुलाब के पौधे में, ये जो अमरूद का पौधा है, इसमें आने लगी हैं। तो दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा इसकी सीक्रेट, कैसे मैंने पौधा लगाया था इस वीडियो में, फुल अपडेट। तो पूरा वीडियो देखें, और पूरा वीडियो देख कर ही तभी हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि पूरी ये जानकारी लेनी ज़रूरी होती है, आधी अधूरी जानकारी पर नहीं उछलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहली बात तो इसे 10 इंच के पेंट वाले बकेट में लगाया है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और इसे मैंने नेट से कवर कर रखा है ताकि बंदर आ जाते हैं, पौधे उखाड़ देते हैं, वो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। तो इसमें अभी मैंने जल्दी खाद दी थी सरसों की खली की 2-3 दिन पहले, और आप देख रहे हैं बारिश हो रही है। 15-16 दिन से मौसम बहुत ख़राब हुआ है, तो इसमें मैंने जो सरसों की खली दी थी 4-5 दिन पहले से ही, और अब मैं कुछ नहीं दूंगा इसमें, क्योंकि जब फ्रूटिंग पीरियड होता है तो मैं क्या करता हूँ, सरसों की खली ही अक्सर देता हूँ अपने पौधों को, और जब पौधा लगाता हूँ तो मैं इसमें गोबर की खाद देता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये 8 महीने का मेरा पौधा है, एक बार पहले भी फ्रूटिंग हमें दे चुका है, लेकिन मैंने उसे फ्रूटिंग नहीं ली थी, इसी सारी जो है कलियाँ काट के गिरा दी थी ताकि पौधा हमारा जो है मोटा हो सके। आप देख रहे हैं तना कितना मोटा है इसका, 8 महीने में ही, मैं जब लाया था तो बहुत ही पतला इसका तना था, और तना मोटा हो चुका है। आप जब पौधा लगाते हैं तो आपको बहुत ही एंजाइटी फील होती है कि हमारा पौधा बढ़ नहीं रहा है, जैसे इस तरह से हमें शरीफा के पौधे में मुझे एंजाइटी फील हो रही थी कि मेरा पौधा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन अब ये सडनली ग्रोथ करने लगा है, और बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। और आप जब भी पौधा लगाएं तो मेरा कहना ये है कि कुछ देर वेट करें, 8-9 महीने लगता है पौधे को फ्रूटिंग देने में अच्छी सी, और इस तरह की आप हेल्दी फ्रूटिंग पाना चाहते हैं तो इसमें खाद भी आवश्यक डालें। अभी इसके बाद जो मैं खाद दूंगा वो होगा सागरिका। सागरिका आप अपने पौधे में अगर देते हैं तो बहुत ही सक्सेसफुल रेट आपके पौधे को मिलता है, और आपके पौधे की लाइफ बढ़ती है गमले में। सागरिका क्या होता है, रूट को डेवलप करने में और पौधे को हर प्रकार की न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में इसको मदद करता है। तो दोस्तों, ये जो ग्रोथ है आप देख रहे हैं, ये सब इसी खाद पानी के वजह से हो रही है, जो आप समय समय पर देते रहेंगे। तो अगर आप समय पे अच्छी खाद देते हैं, अच्छा इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, तो जान लीजिए आपके पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने वाली है, आपका पौधा इस तरह से बढ़ेगा। लगभग ये पौधा 2-3 फीट का हो चुका है। तो दोस्तों, पहली खाद तो आपको जब पौधा लगाते समय इसमें गोबर की देनी है, फिर फ्रूटिंग पीरियड में आप इसे नीम की खली दे सकते हैं, सरसों की खली दे सकते हैं। अगर आपको इस तरह से कुछ इंसेक्ट्स लगें तो इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, अगर इस तरह से कुछ लगते हैं कीड़े तो इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खाद देना चाहें इंसेक्ट में तो आप नीम की खली का भी डाल सकते हैं, नीम का तेल भी डाल सकते हैं, और किचन वेस्ट कंपोस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। सागरिका का भी आप डालिए, अच्छे क्वांटिटी में डालिए, पौधा आपका बढ़िया बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्लांट रिसर्चर के साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।